तो हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं एक अटेंडेंस प्रोजेक्ट पे। अब देखेंगे कि मेरे पास एक डेटा है, डेटा में नेम है, इन एंड आउट दिया हुआ है, मतलब कि एक बायोमेट्रिक अटेंडेंस का डेटा है कि कहीं से कोई फाइल डाउनलोड हुई है, और इसमें डेटा है कि किस पर्सन ने कितना बजे इन हुआ है, कितना बजे आउट हुआ है, किस डेट एंड टाइम को। ये जो दिख रहा है आपको टाइम से बेसिकली डेट एंड टाइम भी है, यहाँ पर डेट भी डाला हुआ है, किस डेट एंड टाइम को इन हुआ है और आउट हुआ है, वो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, राइट। तो मुझे इस पे अटेंडेंस बनानी, बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें एक पर्सन कई बार इन हुआ है और कई बार आउट हुआ है, एक पर्सन कई बार इन हुआ है और कई बार आउट हुआ है। तो इस केस में हम यहाँ पे पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे एंड ओके करेंगे। उसके बाद मैंने नेम को यहां रखा, इन को यहां रखा, तो इनको रहते ही क्या हो गया, आप देख रहे हैं ग्रुप इस तरह से बन गया। तो मैं राइट क्लिक करके इसको अनग्रुप करूंगा। अब यहां पे एक एंट्री कई बार आ रहा है क्योंकि कई अलग अलग टाइम में है, इसलिए तो इस पर राइट क्लिक करके हम ग्रुप करेंगे डेज के हिसाब से। हम कैसे ही ग्रुप करेंगे, डेज के हिसाब से ग्रुप करेंगे। देन ओके, देख सकते हैं ग्रुप हो गया। उसके बाद हम इनको रखेंगे वैल्यू में, आउट को रखेंगे वैल्यू। यहाँ पे काउंट आ रहा है, पर काउंट नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे टाइम चाहिए। तो जैसे कि आपका जो डेट होता है वो एक्चुअली के नंबर ही होता है, डेट एंड टाइम जो होता है वो एक्चुअली से नंबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाऊंगा और इसको कर दूंगा मैक्स, इनको मिन करना, माफ कीजिएगा, इनको मिन, और फिर यहाँ पे वापस इसको कर देंगे आउट मैक्स, आउट को मैक्स कर दिया। तो यहां पे इन कर दिए और आउट को मैक्स कर दिया। उसके बाद यहां मिनिमम आ रहा है, सबसे पहले तो मैं यहां टोटल इस पे टोटल फिल्टर पे जाता हूं, उसकी टोटल हटाता हूं, हट गई। इसके बाद यहां पे हम देते हैं इन, बट इन लिख के स्पेस मारेंगे तो नहीं लेगा क्योंकि ऑलरेडी इन नाम का फील्ड है। तो मैं यहां पे इन दूंगा और स्पेस मारूंगा, और सेम यहां आउट दूंगा और स्पेस मारूंगा, राइट सर। और ये जो यहां अब ब्लैंक है तो उस दिन अब्सेंट है, तो पिवट टेबल ऑप्शन पे जाऊंगा, यहां पे 4M35 सेल, यहां पे हम ए लिख देते हैं। राइट सर, और फिर इस पूरे को सिलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट सेल भी कर सकते हैं या फिर सिर्फ इसको कर दीजिए कंट्रोल एट द रेट, तो ये टाइमिंग बता देगा किस टाइम को इन है किस टाइम को आउट है। यहां तक समझ में आया सर लिन जी, मैंग जी, आपको समझ में आया? हाँ सर, सर कंट्रोल शिफ्ट एट द रेट बोला ना आपने। हाँ, टाइम का फॉर्मेट यहाँ से ऊपर पे जाके ओके ले सकते हाँ हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे मेरा आधा काम होता है, आधा काम यहाँ पे होता है। अब आधा काम है यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे आवर्स को निकालना, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करता हूँ इसको और एक नई सीट पे ले जाता हूँ, पिवट हटा देता हूँ, राइट। अब मुझे क्या करना है कि हर एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना, ब्लैंक कॉलम, ताकि मैं यहां आवर्स का फॉर्मूला लगा सकूं। तो इसके लिए मैं शॉर्टिंग का यूज करूंगा, हम यहां पे एक नंबर को दो बार लिखेंगे, फिर यहां पे उस नंबर में +1 करेंगे। इससे क्या होगा कि हर एक नंबर
दो बार रिपीट हो जाए। उसमें मैंने देखा कि ये नंबर कितना 30 तक है, तो एक से लेके 30 तक नंबर हम ऐसे ही मैनुअल लिखेंगे वन टाइम। उसके बाद यहां आवर्स होने चाहिए, तो मैं यहां पे आवर्स मैनुअली लिख के ड्रैग कर। फिर यहां पे मैं डेटा को सिलेक्ट करता हूं और फिर शॉर्ट में आता हूं, कस्टम शॉर्ट। यहां पे मैं ऑप्शन पे जाता हूं, लेफ्ट टू राइट लेता हूं और यहां पे रो वन के अकॉर्डिंग शॉर्ट कर देता हूं। तो शॉर्ट करने से क्या होगा कि जो आवर्स है हर एक दो के बाद ऐड होगा, क्योंकि तीनों वन यहां पे इकट्ठा हुआ, तो ये पूरा का पूरा कॉलम का डेटा लेके आया, आवर्स को भी लेके आया। तो यहां मेरा आ गया। अब मुझे इसमें जो है माइनस करना है कि दैट माइनस तो वन बाय वन करेंगे तो 30 बार करना पड़ेगा। अब 30 के जगह पे ज्यादा भी हो सकता है, तो यहां भी एक मेथड अपनाएंगे हम सिलेक्शन का कि हम डेटा पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। एक एरिया सिलेक्ट कर लिया और इस एरिया को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां फाइंड एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में गए और यहां हम ब्लैंक को सिलेक्ट करके ओके कर। फिर इक्वल हम देंगे आउट माइनस इन, बट यहां नॉर्मल एंटर नहीं मारेंगे, यहां मारेंगे कंट्रोल एंटर। अब कंट्रोल एंटर क्या होता है समझिए, एक सिलेक्टेड एरिया है, सिलेक्टेड एरिया में कुछ टाइप करके एंटर प्रेस करते तो नीचे आ जाता है। अब मैं यहां पे कोई एंटर प्रेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस करूंगा तो क्या होगा, उस एरिया को कॉपी करके पूरे के पूरे बाकी एरिया में वो पेस्ट कर दे। समझ गए, बाकी एरिया में वो पेस्ट कर दे, चाहे फॉर्मूला हो या नंबर। और और कंट्रोल कंट्रोल शिफ्ट एंटर का यूजेज क्या रहता है सर? एंटर जो होता है गरिमा जी, वो एरे का इस्तेमाल होता है, एरे फॉर्मूला। ठीक है, ओके हाँ जी तो यहां पे एक मेथड समझ में आ गया, तो यहां भी हम सेम ऐसे ही यूज करेंगे, बट यहां एरर आया क्योंकि यहां पे अब सेंड था, तो यहां मैं इफ एरर का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहां इसको ब्लैंक कर दूंगा ताकि यहां पे ब्लैंक आ जाए। फिर वापस नॉर्मल एंटर नहीं, कंट्रोल एंटर, ताकि इफ एरर का फॉर्मूला बाकी सब पे परफॉर्म करे। आया समझ में सबको हाँ सर। विदाउट? सर J6 में ब्लैंक बता रहा है वो। यहाँ पे ना तो जहां हाँ पे हाँ एरर था वो ब्लैंक से हमने रिप्लेस अच्छा किया ना ओके या अभी फिर हाँ लगा? स्पेस मारा एरर उसमें। हाँ हमने लगा ठीक दिया ठीक ना इसमें। ठीक है। यस लास्ट है। समझ गए? यस सर। पे आपकी प्रोजेक्ट थी पिवट टेबल। तो मैंग जी, मिलिंद जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा पिवट टेबल में और ज्यादा प्रैक्टिस कर लो। मैं शुरुआत में ही बोला था कि पिवट टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको स्लोली स्लोली पढ़ना चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर?
यस सर, सर्टेनली फाइल मैंने आपको भेजाई है, इसको आप बनाइए इस तरह की रिपोर्ट, और दोनों पिछली कल की टॉपिक की वीडियोस मैंने मैम जी भेज दी आपको जी, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, मिलते हैं कल। कोई भी डाउट हो क्वेश्चन कॉल कीजिएगा, और कल हम एक्सटर्नल पिवट टेबल कैलकुलेशन एक्सटर्नल पिवट की दो टॉपिक करेंगे, ठीक है? सुजीत जी, मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया ना, मैं तो ऑलरेडी होमवर्क करके ही आई थी। बोलिए, कुछ और पढ़ना है बढ़ा देते, बताइए। नहीं आप मतलब देखिए, मैं तो ऑलरेडी डिलेट में चल रही हूँ। हाँ तो बैच के साथ चलने का फायदा है ना, और प्रैक्टिस कर लीजिए ना, इससे प्रैक्टिस कर कमी थोड़ी होती है, प्रैक्टिस करने से क्या लग रहा है, दिक्कत थोड़ी है, कुछ और चीज ढूंढिए। बोलिए तो मैं आपको दो चार काम और भेज देता हूँ। जैसे कि इसमें आप मान लीजिए कि ये आपका, इसमें कुछ और चीज नया ऐड कीजिए, जैसे कि आपने आवर्स तो निकाल दिया, राइट? अब इसमें आप एक और चीज कीजिए, इसमें आप ओवर टाइम निकाल दीजिए कि भाई 8 घंटे की शिफ्ट है, कितना ओवर टाइम किया उसने, हाफ डे निकाल लीजिए कि कौन कौन हाफ डे किया, ठीक है? इस पर रिसर्च कीजिए। हाँ जी, कल से करेंगे कंटिन्यू क्लास, ठीक है? आगे कल कल से जो क्लासेज हमारी होगी उसमें टॉपिक कंटिन्यू होगा। नहीं कुछ और चीज पूछना है पढ़ना है तो बताइए, पढ़ा देता हूँ। नहीं नहीं एक्चुअली मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने 6 क्लासेस बोले थे ना, 6 क्लासेस तो कब के खत्म हो गए, और जहां से मैंने मतलब बस आपकी फॉर्मूले स्टार्ट हो जाएगी, एक क्लास और मैंने ये 2 क्लास और पिवट की है, उसके बाद फॉर्मूले शुरू करेंगे, ठीक है? ओके।